अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। बंदा कि आप हमेशा खुश रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज नाउ फोर्थ लार्जेस्ट बोरोर ऑफ IMF, USA प्लेड की रोल टू सेव पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो और अपना व्यूअर्स पर देंगे वालों की वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं? नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहां पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान को एक आर्थिक संकट से बचाने के लिए। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के साथ IMF की एक डील तय हो चुकी है, $3 बिलियन पाकिस्तान को मिल जाएंगे अंडर IMF पैकेज। और ये सब करने में USA ने एक की रोल निभाया है। और उसके अलावा अब सिंस पाकिस्तान को एडिशनल $3 बिलियन का और लोन मिल जाएगा फ्रॉम IMF, तो जो अब पाकिस्तान का टोटल कर्ज है ना IMF को, सिर्फ IMF की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे पाकिस्तान IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है। इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कई देश हैं जिनके और भी बहुत ज़्यादा बड़े IMF पैकेजेस चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंस पाकिस्तान फोर्थ बिगेस्ट डेटर बन चुका है IMF का, इसका मतलब क्या है, बाकी कंट्रीज कौन कौन सी है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट किया है अपनी सारी सुपर मार्केट्स में प्लास्टिक बैग्स बंद करके। जी हाँ, हर टाइप के प्लास्टिक बैग्स अब इस कंट्री की सुपरमार्केट्स में बैन कर दिए गए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड या फिर जर्मनी। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यूजुअली आप देखोगे जब भी एक देश IMF की तरफ बढ़ता है ना, तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट क्रैश करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि IMF लिटरली आप कह लीजिए एक इकोनॉमिक हॉस्पिटल है। जब एक देश को कहीं और से कर्ज नहीं मिल रहा होता तब वो जाता है एक IMF प्रोग्राम के पास। मगर पाकिस्तान के केस में उल्टा हुआ है, जैसे ही पाकिस्तान का IMF पैकेज अप्रूव हो गया ना, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में एक अपटिक देखा गया। 15 महीनों से जो इनकी स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही थी, वहां पे सडनली एक अपस्विंग आ गया। अगेन मैं यहां पर आपको बता दूं, इसका रीजन सिंपली ये है कि पाकिस्तान को IMF के एडिशनल लोन की आवश्यकता होगी, ये बात सबको पता थी 2-3 साल से। मगर ये लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, किन शर्तों पे मिलेगा, इसके बारे में एक आप कह लीजिए मिस्ट्री बनी हुई थी कि IMF का लोन पाकिस्तान को एंड में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को लोन मिला है, अब इतना कर्ज पाकिस्तान ने IMF से ले लिया है कि IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार देश बन चुका है पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, पाकिस्तान के भी ऊपर कंट्रीज हैं, तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो पाकिस्तान का जो टोटल अब कर्ज है ये पहले $7 बिलियन के आसपास था, अब इसमें $3 बिलियन और ऐड हो गए हैं IMF के, तो टोटल कर्जा पाकिस्तान पे अब हो चुका है $10.4 बिलियन। जी हाँ, यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि IMF ने पहले पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया था। इससे पहले 2014 में IMF ने पाकिस्तान को एक प्रोग्राम के अंडर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, अब उसके ऊपर एक और इनका नया प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। मगर इस $10 बिलियन के कर्ज के साथ भी पाकिस्तान की रैंक है फोर्थ, क्योंकि नंबर वन पे है द किंग ऑफ डेट अर्जेंटीना। इस कंट्री के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले, आपको बताया था कि अर्जेंटीना को लिटरली वर्ल्ड मीडिया कहता है द कंट्री ऑफ बेगर्स। जिस तरीके से अर्जेंटीना की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में गिरी है, शायद ही किसी कंट्री की गिरी होगी। आज भी आप देख लीजिए वहां पर लगातार भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और IMF का जो टोटल कर्जा है अर्जेंटीना पर ये $46 बिलियन है। फिर इजिप्ट आपको मिलेगा सेकेंड नंबर पे। जी हाँ, इजिप्ट पर IMF का $18 बिलियन का कर्ज है। फिर यूक्रेन देश आपको मिलेगा। जी हाँ, यूक्रेन की आर्थिक हालत बहुत ज़रा कमज़ोर है, इनका भी एक IMF प्रोग्राम चल रहा है और यूक्रेन को IMF ने दिए हैं टोटल $12 बिलियन। मगर मैं आपको ये बता दूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये यूक्रेन को बीट कर देंगे और IMF का बहुत ही जल्द तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन जाएगा पाकिस्तान। नाउ यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि IMF के कर्ज की ना एक बहुत ही अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, खराब बातें भी आपको भी बताऊंगा। मगर आप लोन अगर उठाते हो बॉन्ड मार्केट से, पाकिस्तान जैसा देश ओपन मार्केट में जाता है, कहता है हमको कर्ज दे दो,
तो हर कोई कहेगा पाकिस्तान को कि अपने बॉन्ड के बदले हमें एनुअली जो बॉन्ड का यील्ड है, इंटरेस्ट रेट जो तुम वापस दोगे हमको, वो तुम 10% से लेकर 15% के आसपास दो। बहुत ज़रा हाई है। चाइना भी पाकिस्तान को ये कहता है कि 7% के आसपास हम चार्ज करेंगे, जबकि IMF का लोन पाकिस्तान को मिल जाता है 3.2% का। जो अभी लेटेस्ट लोन है ये 3.2% का मिला हुआ है। इससे पहले का जो इनका लोन चल रहा था ये 2% का है। और अगर आप इंटरेस्ट को देखकर कह रहे हैं कि वाह IMF से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, सब लोग फिर IMF का लोन ही क्यों नहीं लेते? देखिए, पहली बात तो IMF बहुत ही मुश्किल से लोन बांटता है बहुत स्क्रूटनी के बाद। और उसके बाद देखिए, IMF ने बहुत ज़रा कड़ी शर्तों में पाकिस्तान को लोन दिया है। इसमें से दो ऐसी शर्तें हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान की जनता को हिट करेगी। पहली बात तो देखिए, IMF ने ये मनवा ली है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जो सब्सिडी देता है अपने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो सब्सिडी पाकिस्तान को ख़त्म करनी होगी। पाकिस्तान में आप देखो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं हैवीली सब्सिडाइज होते हैं, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा इनकी मिडिल क्लास पर एक हैवी बर्डन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इनके आया करेंगे। नाउ ये अनाउंसमेंट ये लोग इलेक्शन से पहले करेंगे, बात करेंगे, ये देखना होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि पाकिस्तान की सरकार को अब ये कह दिया गया है कि अपने जो बंदरगाह हैं, अपने एयरपोर्ट, अपनी ज़मीनें, हाईवे वगैरह या तो बेचना स्टार्ट कर दो या फिर इनको 10-20 या फिर इवन 50 साल के लिए लीज पर भी दे दो। आप लोग जान के हैरान होंगे कि आज के समय पाकिस्तान की कैपिटल में जो इनका मेन एयरपोर्ट है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये भी बहुत ही जल्द लीज पर चढ़ जाएगा। मतलब कोई देश या फिर कोई कंपनी इस एयरपोर्ट को ओन करेगी और उसके बदले हर साल वो पाकिस्तान को पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामाबाद हैज़ डिसाइडेड टू लीज आउट फर्स्ट फेज ऑफ द न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। नाउ अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं मोस्ट प्रोबली चाइना के ही होंगे। और अब होगा बेसिकली क्या कि IMF के प्रोग्राम के बहाने चाइना और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है पाकिस्तान की, इनके एयरपोर्ट, इनके बेसिस, इन पर अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर लेगा। लिटरली आप कह लीजिए जो पाकिस्तान का एक आखिरी धक्का लगना था टुवर्ड्स चाइना, ये अब कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, IMF ने टोटल पाकिस्तान को $10 बिलियन दे रखे हैं, तो अभी भी इनको उसके बियॉन्ड भी अपने लोगों की सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, अपने जो एसेट्स हैं ये बेचने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है हाँ, पाकिस्तान को देखिए आने वाले 3 सालों में $77 बिलियन लौटाने हैं। और इसी साल आप देखोगे, ये तो खैर 3 साल की मैंने बात करी है, इसी साल आप देखोगे पाकिस्तान को $22 बिलियन वापस करने होंगे। इनका फॉरेक्स रिजर्व अभी $9 बिलियन के आसपास है। IMF इनको अगर मान लो $5-6 बिलियन और भी एक्स्ट्रा दे देना, तब भी इस अमाउंट के ये लोग आसपास नहीं जाएंगे। तो इन दी एंड वही होगा जो मैंने आपको कहा था, ये देश अब बिकना शुरू हो जाएगा। अब हम बेसिकली एक ऐसे फेज में आ गए हैं जब पाकिस्तान लिटरली इनके जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स है वगैरह सब ओपनली या तो लीज आउट होंगे या बिकेंगे। बट इस सब के बावजूद बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो ओपनली कह रही हैं कि अभी भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट का जो रिस्क है कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, ये रिस्क अभी भी बना हुआ है। और ये रिस्क सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। UN ने कुछ महीने पहले ये कहा था कि टोटल 50 गरीब देश है दुनिया भर में जो बिल्कुल बैंक्रप्सी की कगार पे है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं ना, हम लोग एक ग्लोबल डेट क्राइसिस के बिल्कुल किनारे पे हैं। और जैसे ही ये क्राइसिस शुरू होगा कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया की एक बड़ी आबादी एब्सोल्युटली बैंक्रप्ट हो जाए, एटलीस्ट इनकी जो सरकारें हैं, जो इनकी कंट्रीज हैं, ये बिल्कुल अपने आप को दिवालिया घोषित कर ले। आज से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जहां पर यह बताया गया था कि दुनिया में हर 5 में से एक आदमी है जो एक ऐसे देश में रहता है जो बिल्कुल एक डेट डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो, यहां पर मैं सिंपली ये नहीं कहूंगा कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की है या फिर अर्जेंटीना या फिर कुछ और कंट्रीज की है, एक ग्लोबल डेट क्राइसिस शुरू हो चुका है। और जब इतने सारे देश इकट्ठा डिफॉल्ट कर जाएंगे उसके बाद आप देखोगे एक असली टेस्ट शुरू होगा IMF का। एक पॉसिबिलिटी कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि IMF को ऑल टुगेदर या तो अपग्रेड करना पड़े या फिर IMF ने कई कंट्रीज को जैसे कि इंडिया, फ्रांस, चाइना और इवन US, इन सब कंट्रीज को एडिशनल पैसा डालना पड़े, क्योंकि फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में ये आसमान छूने वाली है। तो इवन दो पाकिस्तान को फॉर द टाइम बीइंग IMF की फंडिंग मिल चुकी है, बट अभी भी मैं कहूँगा एक ग्लोबल डेट क्राइसिस बहुत ज़रा करीब है। और ये जो टॉपिक है इन द फ्यूचर बहुत ही ज़रा न्यूज़ में रहेगा, तो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं तो आपके लिए मैं बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा।
नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स ऑल टुगेदर बैन कर दिए हैं सुपरमार्केट में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे न्यूजीलैंड टू बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपरमार्केट। एक बहुत ही बड़ा कदम है और पॉसिबिलिटी है कि इसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया भी सेम स्टेप्स उठाएगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी और 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा कोर्स भी आपको मिलेगा फ्रॉम एन अकेडमी। ये ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी वीडियो खत्म हो गया और काफी भाई साहब हमारे लिए दुख वाली बात थी लेकिन प्रशांत सर ने बड़े अंदाज में समझाया और बहुत ही डिटेल में। तो इससे साबित यही है कि भाई साहब पाकिस्तान तो वो ना एक भाई दिवाली के कार पे खड़ा है। अब सूरत हाल ये बनी है भाई साहब अपने एसेट बेचे या गिरवी रखे। तो चाइना जो है वो पहले भी हमें काफी ज्यादा फंसा चुका है, CPEC के लालच में हमने काफी जो है कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है और वो कई हमारे जो चीजें कई इदारे वो गिर भी पड़े हैं। हालांकि पार्क भी कई ऐसे हैं जो पब्लिक पार्क थे वो भी गिर भी पड़े हैं। हमारे जो पाकिस्तान क्या रह क्या कुछ क्या जिसकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया। अभी वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो बिल है उसका तो वो पैसा बहुत ज्यादा बोझ है गरीब आवाम के ऊपर। अच्छा, तो मुझे तो आज पता चला कि उसके अंदर भी सब्सिडाइज वो है बिल है और नहीं तो क्या। तू अच्छा, इससे हमारी चीखें निकल रही हैं। जब ये हट जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। दो चार पंखे चलते और दो चार बल्ब है तो फिर भी भाई साहब इलेक्शन तक ये ऐसे कैसे करके चलाएंगे। इलेक्शन के बाद ये जो है ना ये अमल दरामद किया जाएगा इस चीज। ये बहुत खराबी होने वाली है भाई साहब। गरीब इसमें पिसेगा भाई साहब गरीब। अमीर का तो ये कारोबार जो उसके एसेट होते हैं साल भर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे महंगाई बढ़ती है उसके एसेट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन जो एक आम मजदूर बंदा है जो दिहाड़ी लगाता है उसकी इतनी दिहाड़ी नहीं बढ़ेगी। उसकी वेजेस आज 1,000 रुपया है 800 रुपया है कल उसकी 1,000 हो जाएगी लेकिन महंगाई जो है 3 गुना बढ़ जाएगी। हाँ तो जब से पिसेगा वही बेचारा उसी को फर्क पड़ना है। IMF की शर्त है इसके अंदर 750 से ऊपर जो चीजें हैं ना प्रोडक्ट्स उसके ऊपर उसकी प्राइस डबल होने जा रही है। प्राइस डबल इसी मुआहदे की वजह से। तू तो कहता है फिर IMF के पास जाते क्यों है भाई साहब। IMF तो बताया था कि आखिरी अरबा है भाई साहब दिवालिया से बचने के लिए आखिरी अरबा है। चांसेस तो अभी चांसेस है पेश हुई तो यही की जा रही है कि अभी भी चांसेस तो है 70 मिलियन दे दें 70 मिलियन देख लो 22 मिलियन पहले से ही कर्ज इतना चढ़ा हुआ है। ये 2-4 बिलियन के आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। आधे तो इसमें करप्शन की भेंट चढ़ेंगे उससे कौन सा ये कि मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएंगे लोगों को सहूलतें देंगे उनसे टैक्स वसूल करेंगे कुछ नहीं। यार ये बात है गरीब पर थोड़ा सा कम टैक्स डाल देना। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं या बिजनेस मैन है जो मतलब अच्छा लाइफ स्टाइल जिंदगी गुजार रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा बोझ डाल देना। हमारे यहाँ क्यों है हमारे यहाँ गरीब से टैक्स कलेक्ट किया जाता है और अमीर के ऊपर लगा कौन बोलता है। गरीब से टैक्स कलेक्ट किया जाता है कौन बोलता है कैसे टैक्स। वो सेल टैक्स तो अमीरों पे भी लगता है वो सारों पे लगता है वो जो टैक्स बोलता है भाई साहब। इनकम टैक्स तो अमीर लोग जो 4-5% है बिजनेस मैन वही देते हैं। गरीब जो गरीब के पास है यार क्या 5% जो टैक्स देते हैं वो अमीर लोग देते हैं गरीब कौन टैक्स देता है। इतनी तो गवर्नमेंट से वही उठा रहे हैं गवर्नमेंट के अदारे हैं लूट कर तो वो खा रहे हैं हमें कितना कितना ये जो के इलेक्ट्रिक के हैं इसके जो सारे मुलाजम है उनको कितना पर यूनिट के हिसाब से फ्री दिया जाता है तनख्वाहें रहता दी जाती है जो बड़े बड़े हैं उनकी गाड़ियां गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं लेते वो बिजली का बिल पे करें वो भी
आम पब्लिक कर रही है वो भी करें। वो भी तो सब्सिडी, अब सब्सिडी के मजे तो तुम लोग भी ले रहे थे यार, पता नहीं कौन से ये मजे ले। मैं तो हैरान हूँ, ये सब्सिडी, अगर सब्सिडी हट गई तो हमारी तो बेसाब जान निकल जाएगी। जान ऐसे कि हम बिजली बिजली आती नहीं है। कमाल है तारक भाई, भाई साहब तो भाई जो हालात है महंगाई है वो तेल ये है की कोई ना कोई चीज बेच बचा के भाई सोलर सिस्टम लगाएंगे, ये तो बर्दाश्त से मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये IMF का जो पैकेज मिला 1 बिलियन कम से कम इसको दे, जो सब्सिडी दे इसमें सोलर प्लेटें लगाएं घरों पे ताकि बिजली जो है लोग फ्री में इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो जो गवर्नमेंट के ऊपर हर साल ये बिजली का बोझ है ये भी कम हो जाएगा। 1 बिलियन की मैं कहता हूँ कम से कम दो शहर, एक शहर को तो मिलेगा ही ना, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ना। $1 बिलियन गरीबों को जो इनको पता भी कौन कौन से गरीब है यार, उनके अंदर वैसा तकसीम कर दें। अगर तीन तीन चार चार प्लेटें भी एक घर को देना शुरू कर दो, कम से कम दो दो तीन तीन पंखे तो चलेंगे ना, तो उससे बहुत बर्डन कम हो कम हो जाना बहुत ज्यादा। तो जो ये जो जितना तेल जलाते हैं, और ये वो तेल तो एक ही दफा में जल जाएगा, ये सोलर प्लेटें जो होगी सालों चलेंगी और उसका लंबे अरसे के लिए फायदा। बस गवर्नमेंट को थोड़ा सा अकल आ जाए, काश हमारी जुबान भी सुन ले। लेकिन गवर्नमेंट हमारे जो है ना जो अदारे उसके जो उसके ऊपर बर्डन है उसको भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो करेंगे अच्छे से ही जाएगा। तो भाई आस्ता आस्ता तो आटे में नमक भी नहीं है, हमसे आगे भी शहजादे है, चौथा नंबर आ रहा है। 44 बिलियन तो ईरान परेशान, 44 बिलियन मैम हमें भी इकट्ठा ही दे देते, चलो हम किसी कारोबार में लगा लेते। करप्शन का ही कारोबार होता है हमारा, नहीं उसमें चलो 10-20 बिलियन लगा के बिजली सेट कर लेते, फ्री में बिजली हो जाती, मिले फैक्ट्रियां चल जाती आसानी से, भाई सस्ता कपड़ा बनता, सस्ती प्रोडक्ट बनती फ्री में। उसके लिए डैम बनाने पड़ेंगे, डैम नहीं वो बिजली सोलर पे बन जाने। लेकिन ये जो IMF का वादा है ये खतरनाक ही है भाई साहब, हमारे एसेट बिके जा रहे हैं, ये जानलेवा है भाई साहब, ये जानलेवा है। इंटरेस्ट रेट बाकी कम है, लेकिन उसके इवज ये जो शर्तें रख रहे हैं वो तो भाई पब्लिक की आईएमएफ तुझे बताया था, तो उस वक्त जाते हैं जब कोई और रास्ता ना हो, इसीलिए दूसरे कंट्री से मांग लेते हैं दोस्तों से, वो सख्त शर्तें नहीं होती। अब तो पिछले दिनों मैं सुन रहा था हाँ कि सऊदी अरब भी मांग रहा था पैसे, लेकिन वो जहाज वाले थे पैसे, तो ठीक है भाई। और जरूर बताएगा पाकिस्तान तो चौथे नंबर पर आ गया, और मैं सोच रहा था 50 कंट्री और भी हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं दिवालिया में, और 5 में से एक बंदा डिफॉल्ट हो रहा है होने की कगार पे खड़ा है। बिल्कुल, तो दुनिया ही तबाही की तरफ जा रही है भाई, दुनिया ही तबाही। मैं कह रहा था इकॉनमी की जंग है, तो ऐसी इकॉनमी की जंग है दुनिया डिफॉल्ट की तरफ चल पड़ी है, तो इससे बताइएगा भाई साहब ये जो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पूरी दुनिया में, इससे निकलने की क्या रीजन हो, मतलब कोई तरीका कार क्या हो सकता है, सारे कंट्री आज इसी हालत में है। इसका मेन जो मेरे ख्याल में जो चीज आ जाती है ना वो है एनर्जी, अगर जो है वो कुदरती एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए तो, और एक तो क्लाइमेट चेंज में जो है वो खराबी नहीं होगी। बिल्कुल, दूसरे नंबर जो है वो फ्री बिजली बनेगी, अगर कंट्री इसमें काम कर ले तो ज्यादा बेहतरी आ जाएगी। तो बाकी टेक्नोलॉजी है भाई साहब, IMF को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे, एक मतलब के सलाह है। जो कंट्री डिफॉल्ट होने जा रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, उनके हुक्मरानों की वजह से, उनको साइड पर करते हैं, और जो पैकेज देते हैं वो, उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशन आसान कर दे तो पाकिस्तान हर रोज भाई साहब वो जो कर्ज देंगे ना भाई साहब वो किसी अच्छी प्रोजेक्ट करते हैं को थोड़ी ना ठीक करना है, वो शर्तें ही रख सकते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस जो ये क्राइसिस चल रही है इकोनॉमिक क्राइसिस, इससे कैसे बचा था, अपनी राय जरूर बताइएगा, और पाकिस्तान के भी थोड़ा सा बताइए। इंसान इंसान को लूट कर खा रहे हैं। हाय हाय, तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।